यह है गाजियाबाद का घंटाघर इलाका, घंटाघर इलाका और गाजियाबाद का सबसे बड़ा बाजार कहते हैं इसे। कपड़े से लेकर जूते तक, पूजा घर से लेकर फूल और फल, हर चीज की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नोटबंदी का क्या कुछ असर पड़ा है ये जानने हम आए हैं इस बाजार में। दुकानदारों से जानेंगे कि आज नोटबंदी को 50 दिन का समय पूरा हो चुका है, इन 50 दिनों में उनकी दुकानदारी पर क्या कुछ असर पड़ा है ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं इनके पास, कपड़ों की दुकान है और जानते हैं इनसे क्या कुछ असर पड़ा है। भैया, नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, दुकान पर क्या कुछ फर्क पड़ा है? भैया, दुकान पर फर्क ये पड़ा है कि काम बहुत डाउन हो गया है। फर्क पूरा ही है, ऐसी बात नहीं है, दुकानदारी कम हो गई है, पैसों की दिक्कत में, और जी माल भी नहीं आ पा रहा पैसों के लिए। माल नहीं आ रहा है, दुकानदारी कम हो गई है, कुछ ग्राहक भी मौजूद है, ग्राहकों से बात करते हैं। जैसे आप पहले सामान खरीदते थे भाई साहब, क्या आज भी उसी तरह से खरीदते हैं सामान? ना भैया, बिल्कुल परेशान, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या क्या खर्चे आपने अपने कम कर दिए हैं? जो 2000 खर्चा मैंने, वो 1000 रुपए में हो रहा काम। पैसा ना लाना था तू, अब ये सामान लिया है, 2000 का सामान लेता, ये दवाई है, मैं इसके खोले पैसा नहीं है, क्या करें? बिल्कुल, दवाइयों से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेहत की बात है और सेहत है तो जिंदगी है। ऐसे ग्राहक से हमने बात की, दवाइयों पैसा खर्च किया लेकिन अपने सब खर्चे कम कर दिए। पूजा घर है यहाँ पर, पूजा पाठ का सामान मिलता है। देखना ये होगा कि नोटबंदी से भगवान की आस्था पर कितना फर्क पड़ा है। क्या लोगों ने पूजा पाठ के सामान पर कटौती कर दी? क्या भगवान को मनाने में भी अब लोग थोड़ी कटौती करने लगे हैं? जानते हैं इनसे। सर, पूजा घर में क्या कुछ फर्क पड़ा है? लगभग 60% फर्क पड़ा है। 60% खरीदारी ज्यादा हुई है, कम हुई है? कम हुई है, कम हुई है। जब से नोटबंदी पे बैन लगाया है, काफी मार्केट डाउन हो चुकी है, और इसको सही रास्ते पे पटरी पर आने में लगभग 6 महीने का वक्त लग जाएगा। 60% दुकानदारी कम हो गई है 8 तारीख के बाद से। पहले कितना कुछ, थोड़ा आइडिया दीजिए, कितना आउटपुट था, कितनी अर्निंग थी और अब कितनी रह गई है? लगभग 40, मतलब 60% तो कम हो गई, 40% बच रही है, लेकिन उसमें भी लोग जो सामान लेता है वो भी कम से कम लेता है, कहता जी काम चलाओ, सामान लेना जरूरी है, बाकी और खर्चे देखने, डॉक्टरों का, स्कूल की फीस, वो जरूरी है, पहले खर्चे को तो एक बार को झेल लेंगे। ये यानी पूजा पाठ भगवान की आस्था के साथ में अब शायद कॉम्प्रोमाइज होने लगा है, क्योंकि पूजा पाठ का सामान लोग कम खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हमारे आम खर्चे हैं, जूता, कपड़ा, पानी, फीस बच्चों की और दवाइयाँ, इन खर्चे को लोगों ने प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है। ये जूतों की दुकान है, इनसे जानते हैं कि सर कितना फर्क पड़ा है 8 तारीख के बाद, जब से नोट बंद हुए हैं, आज 50 दिन हो चुके हैं। देखिए, फर्क तो आम पब्लिक को बहुत पड़ा है जी, लेकिन कुछ कष्ट सहने के लिए जो मोदी जी ने वादे करे हैं, वो 50 दिन पूरे होने वाले हैं, उसमें कठिनाइयाँ जरूर आई हैं, लेकिन उसमें मंदा भी रहा है। और ये जैसे पीएटीएम की सुविधा की कही थी, पढ़े लिखों को कहा पता ये क्या होता है? सर सर सर, थोड़ा एक बात ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप कह रहे हैं कि सुविधाएं होंगी, कुछ होगा, अच्छा होगा, ये जो नोट पकड़े जा रहे हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। नहीं, जो नए नोट पकड़े जा रहे हैं, जो नए नोट पकड़े जा रहे हैं, नकली वाले भी उसमें पकड़े जा रहे हैं, 500 वाले भी पकड़े जा रहे हैं नकली, लेकिन उस पर तहकीकात सरकार कर रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक क्या कर सकती है? आपकी दुकान पे कितना असर पड़ा है? मेरी दुकान पे असर रुपए में 4 आने पड़ा है, 12 आने नहीं पड़ा, 4 आने पड़ा है। जहाँ हम माना 100 रुपए बढ़ते थे महीने में, वो हम 75 रुपए बढ़ रहे हैं, 25% का फर्क पड़ा है। 25% का फर्क पड़ा है, यानी कपड़ों से लेकर जूतों तक हर जगह फर्क पड़ा जरूर है, हालांकि चाहे कम पड़ा या ज्यादा पड़ा। यहाँ पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं, यहाँ पे फूल बेचते हैं, फूल मालाएं यहाँ पर बिक रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि फूल खुशियों में भी काम आते हैं और दुख में भी काम आते हैं, और खुशियां और दुख ऐसी चीजें हैं जो लोगों के साथ लगे ही रहते हैं। फूलों का क्या रेट है, क्या कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार पे? फूलों का रेट तो मंडी में बहुत डाउन है, और यहाँ तक काम है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी, बिल्कुल भी ना के बराबर है। सुबह शाम तक पहले बेचते थे 500-700 रुपए का माल, अब बिक रहा 100 रुपए का भी नहीं बिक रहा। और जहाँ से आप ये फूल मालाएं खरीद के लाते हैं उसका क्या कुछ हाल है? वहाँ भी बुरा हाल है, वहाँ भी बुरा हाल है, पीछे उठान नहीं है बिल्कुल भी। आपकी कुछ किसानों से बात हुई है जो ये फूल माला, फूल तोड़ के लाते हैं अपने बगीचे से और फिर बाजार में लाके बेचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? किसानों के खर्चे अपने निकल रहे हैं, मजदूरी के, तोड़वाने के भी खर्चे नहीं है, पानी और खाद के तो बहुत दूर बात है, किसान परेशान है। किसान परेशान है, छोटे लोग परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, हर तरफ परेशानी की तस्वीर सामने आ रही है कि चारों तरफ परेशानी बरकरार है।
50 दिन हो चुके हैं नोट बंद हुए, और 50 दिन में देश की तस्वीर किस कदर बदल गई है, ये एक बड़ा सवाल है। एक किराना की दुकान है, वहां पर चलते हैं और जानते हैं कि किराना के कारोबार पे कितना असर पड़ा है। सराज जी से जानते हैं, सर 50 दिन हो गए हैं नोटबंदी को, आपकी किराना की दुकान है, कितना असर है? बिल्कुल काम फेल हो गया है, और ऐसा नालायक प्रधानमंत्री नहीं देखा, हम तो खुले आम का जब फांसी मिल जाए, बिल्कुल नालायक प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी जो पीएम है, जो देश के पीएम है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा, तो क्या अच्छा लगता है आपको? हमें बिल्कुल बुरा लगता है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने देश का, इन्हें देश का बेड़ा गर्क कर दिया बस। और क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? दुकानदार एक आम नागरिक होने के नाते क्या अपील करते हैं आप? ये हम कह रहे हैं ये हालात सुधरेंगे नहीं, इसका बेड़ा गर्क होगा। चलिए, यहाँ कुछ कस्टमर्स भी हैं, दुकानदारों के अलावा कुछ कस्टमर्स भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या यहाँ पर दुकानदार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट नहीं लेते, पेटीएम से पैसे नहीं लेते, वो सब कैश चाहते हैं, रसीद भी नहीं देना चाहते। मेन चीज है न ये रसीद देना चाहते हैं, न कार्ड से पेमेंट लेना चाहते हैं, या न पेटीएम से लेना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो कैशलेस इंडिया का सपना संजो रहे हैं। लेकिन दुकानदार जब बदमाशी कर रहे हैं, रिटेलर कह रहा है कि होलसेलर नहीं मतलब कि वो रिटेलर कह रहा है कि होलसेलर जो है वो हमको बिना कैश का माल नहीं दे रहा, तो लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोगों की तो मजबूरी है, हम लोगों को तो लेना ही है, तो ये है कि थोड़ा लेंगे हैं, जो जो कैश जो कार्ड से लेगा उसके यहाँ जाएंगे, जो पेटीएम लेगा उसके यहाँ जाएंगे, जो जो, जो मतलब कि कैश ही चाहता है उसको अवॉइड करेंगे जब तक अवॉइड कर सकते हैं। देखिए 50 दिन में बहुत कुछ बदला, जहाँ एक तरफ कानून बदले, पुराने नोट बदले, नई करेंसी आ गई, वहीं फर्क ये भी पड़ा कि पीएम मोदी ने एक बात और बोल दी कि अब वो कैशलेस इंडिया बना के रहेंगे, यानी कि कार्ड सिस्टम चलेगा, करेंसी को पूरी तरह से बैन कर देंगे, जो खुली करेंसी है उस पर अब अंकुश लग जाएगा और कैशलेस ट्रांजेक्शन होंगी। लेकिन ये तस्वीर भी धुंधली होती नजर आ रही है, क्योंकि कस्टमर्स ये कह रहे हैं कि कैशलेस इंडिया का सपना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुकानदार अब कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ना पेटीएम से ले रहे हैं, वो सिर्फ कैश चाहते हैं, और जनता के हाथ में कैश नहीं है, तो भला कैसे 50 दिन में कैशलेस इंडिया का सपना पूरा हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश कमल के साथ गौरव सिंह की रिपोर्ट।